इंपॉर्टेंट टेक्निकल रूल्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्रिप्टो करेंसी में, कमोडिटी ट्रेडिंग में, गोल्ड या क्रूड में ट्रेड कर रहे हैं, कहीं भी आपको ये यूनिवर्सल टेक्निकल रूल्स काम में आने वाले। मैं पंकज जैन टेक्निकल रूल्स को सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। इस पूरे लेक्चर के दौरान मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा दोस्तों, ध्यान से अगर आपने इसको समझ लिया ना, ट्रेडिंग में आप कहीं फंस नहीं सकते, आप किसी भी सिचुएशन से पैसा निकाल के ले आएंगे, प्रॉफिट निकाल के ले आएंगे। ध्यान से सुनना है आपको, जो सवाल मैं पूछूंगा उनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं, और आपको प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमने अलग से अरेंजमेंट करके रखा है। 2000 रुपए का कोई पीडीएफ बुक या एक प्लेलिस्ट स्पेशल वीडियो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसको देख के आपको इतना फायदा होगा कि अगले 5 से 10 सालों में आप उससे ही काफी सारा पैसा बनाते रहेंगे। तो पॉजिटिवली आप शामिल हो रहे हैं ना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि 3 दिन का लगातार गिरावट होगी किसी स्क्रिप्ट में, तो आपको एक ऐसा बॉटम में रेट दिखने लगता है कि आपका मन करता है, ललचाने लगते हैं कि यहां खरीदूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अंदाजे में आपने अगर उतावले में है कि खरीदना है तो आप जल्दी घुस जाओगे, और फिर वो लुढ़क के नीचे जाएगा तब आप फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है कि वहां पे आप खरीद लो, लेकिन मन बना के रखना कि छोटी क्वांटिटी और एक स्टॉप लॉस जो कि आपको 2 या 3 बार रिपीट करना होगा, वैसे करके बॉटम फिशिंग कर पाओगे। क्योंकि ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनते हैं कई बार, कि एक बार बॉटम पे गया है ना, कोई चीज गई नीचे, समझो 2000 पे गई 3000 से, 2000 पे गया 2000 से 2200 आया, फिर 2000 गया, फिर 2200 आया, फिर 2000 गया, फिर 2200 आया, तब तक घबरा के आपने बेचा और फिर वो 2500 पे जाके खड़ा हो गया। तो ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न है। इसे ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बनता है कि निफ्टी जब गिरने वाली थी तो 2 या 3 बार वो हाई के पास गई, सब लोगों को लगा हाई तोड़ के वापस तेजी आ जाएगी, पर वहां से फिर मौका ही नहीं मिला। तो ये ट्रिपल टॉप पैटर्न था। तो दोस्तों ध्यान रखें कि हम क्लेरिटी आने तक रुक क्यों नहीं पाते, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि 2000 पे जो चीज नहीं खरीदी वो 2200 पे कैसे खरीदें। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2200 के ऊपर जब जाए रेंज तोड़ के तब आप खरीदी करें, लेकिन कुछ लोग वो 10% में ही फंसे रह जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि 2000 पे एक छोटी सी क्वांटिटी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय कर ले, तो उसमें इतना पैसा बन जाएगा आपका कि आगे का स्टॉप लॉस लेने का पैसा भी आपको मिल जाएगा, हिम्मत भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे आपको कि बॉटम फिशिंग कैसे करनी है या टॉप पे सेलिंग कैसे करनी है। अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट, ये सारे रूल्स स्टडी करके रखिए और तैयार रहिए। तैयार रहिए का मतलब आपको सूट पहन के तैयार होने को नहीं कह रहा हूं, तैयार रहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी आपने जाना है उसको आप करेंगे, ऐसा मन बना लेते हैं आप। लेकिन हम जो ट्रेडिशनल दुनिया से आए हैं, हम हमेशा अपना जो एक्शन है वो कल सुबह से, अगले मंडे से, अगले महीने से या अगले साल से करते हैं, और ये अभी राइट नाउ करना पड़ता। अभी के अभी अगर आपने वो कदम उठा लिया तो काम हो गया, नहीं तो आप चुप कर, आप तैयार खड़े रहिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि आपने सोचा था कि जब अब की बार जब निफ्टी पलटेगी इसका मैं कॉल ले लूंगा, इस बार जब TCS पलटेगा मैं इसका फ्यूचर उठा लूंगा, और शाम को आप गए और आपने देखा वो 5% प्लस है, हो गई बात खत्म। तो इसलिए दोस्तों रेडी रहना है ऑर्डर लगा के। तो जब आप रेडी रहेंगे तभी बात बनेगी और आपका ही नॉलेज काम में आएगा, कोई एडवाइजर कोई टिपर काम में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो मैसेज भेजें तब तक तो रैली हो चुकी होगी खत्म। यहाँ पे 3 मिनट के अंदर रिवर्सल आएगा, 3 मिनट में तो आप कोई सोच के टाइप करके भेज भी नहीं पाएगा, आपको फोन भी नहीं लगा पाएगा। तो ध्यान रखें, आप हमारा सपोर्ट लेते हैं लेकिन हम साथ में आपको सिखाते क्यों हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि सर एडवाइस आप दे दो, आपको तो पता है क्या चलेगा, हमको बता दो। तो मुझे पता होने से आप थोड़ी पैसा बना लोगे, मैं कितनी अच्छी टिप दूं। मैं आपको आग दे के भेजूंगा कि चूल्हा जला के रोटी बना लेना, आप अपना घर जला लोगे। तो जरूरत यह है कि आग को हैंडल कैसे करते हैं आपको समझना ही पड़ेगा दोस्तों। अगला पॉइंट है, 2 दिन के क्लियर मूवमेंट के बाद 4-5 दिन का रेंज बाउंड मूवमेंट होता है, उस वक्त आप क्या करते हैं। देखो उस रेंज बाउंड मूवमेंट में या तो अकुमुलेशन हो रहा है, मतलब बड़े बड़े मार्केट मेकर धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं और फिर लेके भाग जाएंगे प्राइस को ऊपर, या फिर वो धीरे धीरे सेल कर रहे हैं और फिर एकदम लुढ़के की प्राइस नीचे चली जाएगी। इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपकी बोलचाल की भाषा में वो धीरे धीरे माल इकट्ठा कर रहे हैं। मार्केट मेकर मतलब वो 10% लोग जो 90% लोगों का पैसा खींचते हैं या 90% लोगों को माल चिपकाते हैं। माल चिपकाना एक वर्ड होता है ना, धीरे धीरे वो माल बेचते जा रहे हैं, सब लोग खरीदते जा रहे हैं। अगर कोई शेयर आपको बड़ी आसानी से एक ही रेट पे मिलता चला जा रहा है, वो मुश्किल नहीं आ रही है,
तो पता करो कि वो खरीदने लायक है भी कि नहीं। जब खरीदना इतना आसान हो जाए और बार बार नीचे के रेट पे मिले, तो इसका मतलब वो रेंज तोड़ के नीचे भी लुढ़क सकता है। तो जो चीज़ इतनी आसानी से मिल जाती है मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, वहाँ वो परेशानी हो सकती है। जैसे कहावत है ना, जो आसानी से मिल गया वो आसानी से निकलता नहीं है, और जो आसानी से मिलता नहीं है वो बहुत आसानी से निकलता है, मतलब आप आगे फायदे में बिक जाता है। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ये नियम के बारे में आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैंने तीन सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो बॉटम फिशिंग आप कैसे करेंगे? मैंने वहां पे एक पैटर्न का नाम लिया, एक टेक्निकल पैटर्न का, उसका नाम क्या था आपको कमेंट में लिखना है। मैंने एक टेक्निकल पैटर्न का नाम लिया दोस्तों, उसका नाम क्या था। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 दिन की क्लियर रैली के बाद में क्या होता है? 2 दिन की रैली के बाद में या 2 दिन के लगातार फॉल के बाद में क्या होता है? सुनिएगा वीडियो को फिर से, और जो शब्द मैंने बोले हैं उस लाइन के 2 शब्द भी आपने लिख दिए ना, आप ये मत घबराइए कि पूरी लाइन या सेंटेंस बिल्कुल सही होगा तो ही आपको फ्री कोर्स या PDF बुक जो 1999 की हम कमिट कर रहे हैं वो मिलेगी। और साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको उनके मेल आईडी पे या ग्रुप में शेयर किया जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज मैंने आपसे पूछी थी कि आपकी अपनी स्टडी करना क्यों जरूरी है, आपको टिपर या एडवाइजर का फायदा क्यों नहीं मिल पाता? मैंने इसमें ये पूछा है आपसे कि आप तैयार रहिए, है ना? तैयार रहिए मतलब कैसे तैयार रहिए, तैयारी का मतलब क्या था, है ना? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सूट बूट पहन के टाई पहन के आने को नहीं कह रहा हूं, तैयारी का मतलब क्या है आप मुझे एक लाइन में बस लिख के दे दीजिए, हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा। देखो, हम चाह रहे हैं कि जो भी लोग इसमें एंगेज हो रहे हैं, जो भी लोग इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं, जो भी सीखने के लिए प्रमोट हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, उनको हम अपनी तरफ से पुश करेंगे। तो 1999 का हम बुक या वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अब आपको ये देखना है कि आप ईमानदारी से उसको सुने और जो क्वेश्चन मैंने पूछे उनके आंसर दीजिए। इसमें मैंने जानबूझ के थोड़े मुश्किल क्वेश्चन किए हैं, उसके थोड़े मुश्किल आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ना है ना दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। साथ में मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म कर दूं, आपके जिन लोगों के पास समय की कमी है वो पेड कोर्सेज में जानना चाहते हैं, जिनके पास समय है और पैसों की कमी है उनको मैं कहूंगा मेरे 2000 वीडियो है, आप बिंदास सीखते रहिए, आप आदेश कीजिए, आपको जहां समझ में नहीं आए मैं नए वीडियोज बनाऊंगा। तो जो लोग पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने लाइव कोर्सेज 14 स्ट्रेटेजी इंट्राडे की, 14 निफ्टी की, 14 बैंक निफ्टी की, 14 स्विंग ट्रेडिंग की, ये सब लॉन्च किया है। 9000 में अभी ऑफर है, धीरे धीरे ये फी स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। हर दिन आपको एक एक स्ट्रेटेजी मिलेगी, आप उस पर डिस्कशन, उस पर पूरे प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, अगले दिन अप्लाई करेंगे, उससे पैसा बनाएंगे, जो प्रॉब्लम हुई, गलती हुई, तो वो आप क्वेश्चन में लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। इस तरीके से सिस्टमेटिक आप सीखने वाले हैं। अभी तक जो वीडियो लेसन लेके और देख लिया, एक ही दिन में 2 बार देख लिया और उसके बाद में भूल भाल गए, इससे हमने देखा कि उतनी गहराई से लर्निंग नहीं हो रही थी, लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो अब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, साथ में 1 मंथ का सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो आपको 42,000 की सर्विसेज 9,000 में अभी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। आपको चेक करना है कि आप इंट्राडे से शुरू करने वाले हैं पहले, या निफ्टी से, बैंक निफ्टी से, या स्विंग ट्रेडिंग से। थैंक यू वेरी मच।